आज बनाएंगे नारियल और पिस्ता से बनी बहुत ही टेस्टी और महंगी मिठाई घर पर, जो कि मुंह में जाते ही एकदम से घुल जाएगी। तो मैंने लिया है एक फ्रेश नारियल, जिसे छीलकर मैंने काट लिया है। अब मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेंगे और अब उसी जार में 1/4 कप चीनी, फ्रेश मलाई और इलायची डालकर पीस लेंगे। आप चाहे तो नारियल के साथ ही पीस सकते हैं। अब कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालकर नारियल को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर पीसी हुई चीनी और मलाई डालकर इसमें थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। जब मिक्सचर ड्राई हो जाए फिर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब मिक्सी के जार में मैंने लिया 1/4 कप पिस्ता, उसका आधा पम्पकिन सीड और 4 से 5 डेट्स डालकर पीस लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब एक बेकिंग पेपर या किसी भी प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर उसमें नारियल को ऐसे फैला देंगे लंबाई के फॉर्म में। फिर इसके सेंटर में जो हमने पिस्ता पीस के रखा था वो डाल देंगे। मैं इसे सर्कल के फॉर्म में कट करूँगी, इसलिए मैं ऐसे फैला रही हूँ। आप चाहे तो इसकी बर्फी भी बना सकते हैं। अब इसे रोल करने के लिए पेपर को धीरे से उठाएंगे और इसे दबाते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे और सर्कल का शेप दे देंगे। इसे टाइटली फोल्ड करने के बाद 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में या बाहर ही इसे रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसे सर्कल के शेप में हम काट लेंगे। तो देखिए महंगी मिठाई घर पर कितना आसानी से बनकर तैयार हो गया है और देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो